वेलकम बैक टू ज्योति ब्लॉग्स चैनल। एंड आप सोच रहे कि ये क्या अचानक से, तो मैं बता दूं कि ज्योति जी की बेस्ट फ्रेंड का एंगेजमेंट है आज, और सब कुछ सडनली प्लान हुआ है, इसलिए बस बहुत जल्दी जल्दी में है। और ब्लॉग भी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फुल रेडी हो चुके हैं। अभी हम हमारे घर से इतना दूर आए ट्रैवल करके, मुंबई से घर गए, घर से वापस आई और सुबह दो ट्रेन हमने छोड़ा। मतलब इतना कुछ हुआ, इतना कुछ था बताने के लिए, बस टाइम नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी थे। और अभी भी इतनी जल्दी में स्टार्ट कर दिए जाने की है, लड़की का एंगेजमेंट है, कैसा लग रहा है? बस बहुत जल्दी में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, है ना? बहुत जल्दी में है, बहुत एक्साइटेड। लिपस्टिक है तो क्लेचर का, क्लेचर है तो बिंदी का, मतलब सब कुछ भूल जाए। क्या बोल रही है? कुछ तो आराम से बोल, समझे लोग, बार वाले समझ रहे हैं आप लोग। अब हम लोग आराम से बोलते हैं कि हम कैसे लगे, क्योंकि हम निकल रहे हैं और बहुत जल्दी में सोचो स्टार्ट कर ही देंगे, इसके लिए हम लोग फटाफट। कितने सुंदर लग रहे हैं। और तो और मुझे इसका घर भी लग रही है, मुझे इसका घर दिखाना था या इसका बंगलो दिखाना था निकाला, बट अभी सब आएंगे तो है ना। एंड इसके डॉगी को दिखाना, इतना बड़ा लियो है जिससे मैं बहुत डर लग रहा है। अरे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो लड़की को बहुत गाइस, हम लोग अभी निकल रहे हैं बंगलो से। मैंने से घर बहुत ही प्यारा है ना, पापा हर एक पार्ट बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का पार्ट, विंडो का पार्ट, नीचे तो ऐसे। एंड देखो आरती मेरी कितनी प्यारी लग रही है, एंड सलोनी इसका लहंगा, ओ माय गॉड। एंड देखो आंटी लोग, सब हम निकल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, लग रहे हैं हमारे घर में शादी। देखिए सब पूरा भीड़, सब बस हमारा ही वेट कर रहे हैं। एंड ये रहा व्यू, या ये लग रहा है अपना घर का वो दे रही है, और बाकी सब आराम से। ये पार्किंग पार्ट है, पार्किंग के लिए यहाँ पे रखा पूरा। यहाँ पे भी वॉशरूम है क्या? लहंगा इतना लंबा है ना कि बस पैर में फंस रहा है, बहुत बड़ा लहंगा। अब मैं फोन नहीं पकड़ सकती तो मैं फोन दे देती हूँ इसको, मैं लहंगा पकड़ती हूँ। सो ये देखिए हम लोग अभी बस निकलने वाले हैं। ओहो चल मैं भी बैठ जाऊँ। एंड उधर आधा लोग उधर से निकलने वाले, आधा इधर, इधर हम लोग ही लोग, हमारे अपने वाले ही लोग रहेंगे। ये मुझे बैठने नहीं देगी अच्छे से, यही हमें ढूंढने आए थे ना। तो गाइस अभी बैठ गए, आंटी कितने आराम से बैठी है पीछे, और हमारे साथ एक आंटी भी बैठी जाने की घर की, एकदम रिलैक्स लगेगा। अभी बस हम निकल रहे हैं, वहाँ पे पहुँचना है। अच्छा लग तो चुप से बोल रही है, कोई मतलब ही नहीं है। हम अभी निकल रहे हैं गाइस, मैं तो इतनी टायर्ड हूँ। चलिए चलिए कोई बात नहीं, बजाइए अच्छा अच्छा गाना बजाइए, क्योंकि यहाँ से एक घंटा दूर है। अच्छा अच्छा सॉन्ग बजाइए एकदम फुल साउंड में, शादी का सॉन्ग बजाइए। हेलो पब्लिक, वेलकम टू ज्योति ब्लॉग्स। गाइस मैं पहुंच गई हूँ फाइनली, बहुत वेट के बाद इसको मिल भी ली और बड़ी प्यारी लग रही है, देख लो आप लोग। घर पे पहुंच गए, ससुराल वाले घर पे है इसके, इसका घर तो मैंने दिखाया था। वहाँ पे अभी जानवी बैठने वाली है थोड़ी देर में, एंड दूल्हे राजा भी सामने आने वाले हैं थोड़ी देर में। एंड यहाँ पे इतने सारे लोग हैं गेस्ट, ये तुम्हारी फैमिली फुल, आज फुल फैमिली लेकर आए मैं तेरे लिए। आप सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग नाश्ते का व्यवस्था पहले से था, बजिए का और मम्मी की तबीयत खराब है, स्पेशली बोले पहले नाश्ता कर लो, खाने स्टार्ट करने थोड़ा टाइम है, तो हम उनके घर पर नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा ही टेस्टी है। उधर फंक्शन स्टार्ट है, मतलब पूजा पाठ चल रहा है, सरिंग बाकी है, तब तक मैं खा पी रहे। मैं कैसे लग रही हूँ बताना कमेंट में, ज़्यादा इसमें क्यों तो हम लोग देख गाइस, ये लोग खाना खा रहे हैं, सारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, मैं सो रही थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, मैं सो गई।
एंड देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं। कुछ रहता नहीं है और आज तो ऐसे मैं ब्लॉग में कुछ रहता नहीं है और आज तो खैर मैं सो ही रही हूं। तुम लोगों ने ये लिया वीडियो? हां वीडियो एक भी ले लिया दीदी। ला दे यार। हां कम करना होती है सब टाइम वो स्ट्रीम में। गाइस फाइनली एंगेजमेंट कंप्लीट हो गया और हमें बहुत ज्यादा मजा आया। एंड अभी निकलने वाले हैं। ये रही ब्राइड, ये रहे हमारे जीजू। जीजू को नाम पीयू जीजू, यही है जानू के हस्बैंड होने वाले। अभी दिखाया ना मैंने ब्लॉग में। तुम्हें बहुत ही कितने प्यारे हैं। शादी कब कर रहे हैं आप? बस अब शादी अभी बस मैं जाकर आ जाओ उसके बाद। जीजू के हस्बैंड जीजू मतलब ये पागल दीदी के हस्बैंड को अट्टा जमाना है। इंटरव्यू ले लो। अब हम इसी ससुराल से निकल रहे, इसके मायके जाने वाले हैं अभी। चलो हाँ, हमें इनके ससुराल और मायके आई भी सब कुछ देख चुके हैं। इनकी पूरी फैमिली हमारे जीजू की ससुराल साइड वाले। चलो अभी हमारी वैन कब आ रही है? मम्मी निकल गई। हाँ मम्मी वहाँ पे। चलो वहाँ पे चलो। सो गाइस इसका एंगेजमेंट खत्म हुआ और अभी इसके बंगलो पे है और इसका बंगलो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। ये तो हम लोग अभी गैलरी वाले पार्ट में है और पूरा ये हम लोग गैलरी वाले पार्ट में जो बाहर इतना प्यारा है और इसका पर्सनल रूम सब दिखाने का मन है। ये ऐसे ढकेल लेगी मुझे, गिर जाऊंगी मैं। ढकेल देगी तुझे कैसे पता ही भाषा इसका घर इतना प्यारा है। अभी हम लोग सब गैलरी में है, यहाँ पे बस एक झूले की कमी है अभी फिलहाल। जाने सच में आया तेरे घर देख के मुझे जाने का मन कर रहा है। मुझे मेरे नाम से लिख दे। लियो बहुत क्यूट है, मुझे लियो के लिए इसकी फट रही थी। लियो से इसको लियो बहुत पसंद है। लियो लेके जाना बहुत ज्यादा, मुझे लियो लेके जाना। और मुझे इतने टाइम बाद इससे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और सबसे ज्यादा मुझे पसंद इसका दूल्हे से भी ज्यादा पसंद इसका घर है। ओह माय गॉडनेस। तो चलिए दिखाते हैं अभी थोड़ा कुछ और बाद में एंड करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे इसका घर का। ठीक है मैं अभी चेंज। ये देखिए लोग नाश्ता के लिए कैसे कर रहे हैं। तो लाके देखिए बोलती और लेकर आओ। अपना राह समझ के रखिए क्या आरती है? गनेली गनेली और ये ऑर्डर करनी चाहिए इधर बैठे। आइए हमारे दुल्हनिया पता नहीं कब कपड़ा चेंज करेगी। चल पहले चाय दे। चाय ये जानवी का पर्सनल रूम है, देखो कितना प्यारा है। अरे यार पर्सनल रूम बहुत अच्छा लगता है मुझे। नीचे का माहौल दिखाते हैं क्या है। मैं इसे फेंक दूंगी मैं इसको। शादी का माहौल है।